नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नियो वल्टे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती पाने का तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को कंप्लीट दिखेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और क्वालिफिकेशन की सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होने वाला है, मतलब कि आपका कोई भी दौड़ नहीं होने वाला है। तो सीधी भर्ती है, बिना दौड़ के 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई जरूर कीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन आर्मी में भर्ती पाने का। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपसे शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से आपके दोस्तों को इस भर्ती के बारे में जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके और सिलेक्शन पा सके। दोस्तों, इसके आवेदन जो है केवल 2 दिसंबर तक चलेंगे। 2 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना आपको सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रोजाना सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो आप हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली विजिट करते रहे, यहाँ पर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, पोस्ट ऑफिस की हो या बैंक की भर्ती हो, सभी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में जो की निकाली जा रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से भर्ती आ चुकी है एनटीएस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एनटीएस की पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, मतलब की बाय पोस्ट आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको काफी शानदार मिलेगी। यहाँ पर आप देखते हैं लेवल 1 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है। कम से कम आप जो है 30,000 रुपए तो सैलरी पा सकेंगे, ठीक है। 30,000 रुपए तो कम से कम आपको सैलरी मिल ही जाएगी। इसके अलावा और भी काफी अच्छी आपको बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वही दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है यानी कि उम्र सीमा है वो कितनी रहेगी, कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। वही मैक्सिमम जो है 25 साल तक की एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 25 साल तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वही दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी है, बिल्कुल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि अगर आप 18 से 25 साल तक के हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको आयु सीमा में छूट भी दी जा रही है एज पर रूल्स, जो कि सरकार के नियम अनुसार होगी। वही दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10वीं पास है। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी की इस भर्ती के लिए। वही दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से, केवल आपको 21 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा, यानी कि 2 दिसंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिसंबर 2022 तक आपका एप्लीकेशन जो है पहुंच जाना चाहिए इंडियन आर्मी के डिपार्टमेंट में। अब आपको बताते हैं कहां पर आपको भर के सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहां पर जाना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए और यहां से आप जो है क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कहां पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स बेंगल सब एरिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन मांगी जा रही है, केवल 21 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है। वही दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो है 9 है। जनरल और एसएससी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में केवल 10th पास, ठीक है। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास है, 10वीं या 12वीं पास है तो 10वीं बेसिस पे ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं एज लिमिट कितनी है, 18 से 25 है। सैलरी आपको मिल रही है 7 CPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी की भी जानकारी दे रखी है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट से आवेदन मांगे जा रहे हैं। वही दोस्तों, आप नीचे आएंगे तो आपको एड्रेस भी मिल जाएगा जहां पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। ये रहा पूरा एड्रेस, पिन कोड के साथ दिया गया है। आप चाहे तो बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी दौड़ वगैरह नहीं होने वाली है, आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद केवल आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा, मतलब कि आपकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप आकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको भर के सबमिट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पूरा पोस्टल एड्रेस क्या रहेगा, वो सारी जानकारी आपको देनी है, मोबाइल नंबर क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारी जानकारी आपको देनी है, कैटेगरीज क्या है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जो आप फोटोकॉपीज में लगा रहे हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो आप नंबर दे दीजिएगा, और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके अगर कोई पहचान के मार्क्स है आपकी बॉडी के अंदर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर या फिर कोई अदर आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी जानकारी देनी है आपको। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो आपको फोटोकॉपी के साथ साथ अटेस्टेड कराने होंगे। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, ये सब जानकारी आपको दे रखी है, ठीक है, सारी जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, सारी जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी की नई भर्ती की जानकारी। अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको आर्मी भर्ती और सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।